टूटू डर रहा है भूटू से। ये आज जाने वाला है, आज हमारे घर से अपने घर में जाएगा। भूटू अभी कटोरी से खेल रहा है। आ जाओ। बहुत सारे लोग पूछे कि किस तरह से हाथ में लिया जाता है ट्रेनिंग दे। देखिए, मैंने एक उंगली उसके नीचे रख दिया है और वो अपने आप मेरे उंगली के ऊपर आ गया। ये भूटू एकदम छोटे से ही आपके सामने ही बड़ा हुआ है और मैं इसको किस तरह से ट्रेनिंग करूंगा वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये आज जाने वाला है, आज हमारे घर से अपने घर में जाएगा। हमने इसको पूरा एकदम खिला दिया है और इसका जो पंख है इसके ऊपर भी हमने डॉक्टर से बात की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ठीक है। आगे जाके आपको मैं वीडियो में बताऊंगा किस प्रॉब्लम से ये हो रहा था। भूटू अभी कटोरी से खेल रहा है। हो गया खेलना। अभी पकड़ने नहीं सीखा। भूटू ये पीपू के मुंह के ऊपर देख रहा है खाली के मुझे भी देगा। भूटू नो, कम ऑन। उसको भी चाहिए। देखिए अभी पीपलू ने चने खिलाया, अभी खुद खा रहा है पॉपकॉर्न, अभी वो कर रहा है बदमाशी। जैसे ही मैं आ गया यहाँ पर कैमरा ऑन किया और टूटू भी हाजिर हो गया। मत देना, किसी को भी मत देना। टूटू भी बहुत फ्रेंडली हो चुका है भूटू से। देखिए इस तरह से टूटू भी साफ, जब देखो टूटू साफ करता रहता है, खाना लगा है या कुछ लगा है तो वो साफ करने लगता है। भूटू अभी धीरे धीरे खाना सीख रहा है। टूटू का जो टोकरी है उस पर हमने भूटू को बिठा दिया है और भूटू अभी यहाँ पे धीरे धीरे करके सब कुछ टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर पोमेग्रेनेट है, चना है, अमरूद है, कुछ फ्रूट्स वगैरह दिए। तो भूटू हमारा धीरे धीरे बड़ा हो गया है। भूटू अभी कितना बड़ा हो गया है। और आज यहाँ पर हमने टूटू के साथ, टूटू का जो टोकरी है, टूटू जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हमने बिठा दिया है और कुछ अमरूद और छोले हमने दिया है। टूटू खा रहा है और अभी भूटू तो अकेले खा लेता है लेकिन अभी टूटू से खाना मांग रहा है। हमने एक अमरूद दिया था तो टूटू ने वो ले लिया। ये बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश। आज सुबह तो जो छोटे जो बेबी था उसको लेके चले गए तो हमने डॉक्टर से बात की है। कुछ कुछ चीज जो हमने नोटिस की वही आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए बर्ड के हिसाब से, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, बर्ड के हिसाब से, उसके क्वालिटी के हिसाब से ये कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है। ये पूरा डिपेंड करता है उसके माँ बाप के ऊपर। अगर आप देखें एक बर्ड 4 या 5 अंडा दिया उससे बेबी निकला तो उसमें से एक या दो ही बेबी ताकतवर अच्छा होगा और बाकी जो छोटा चूजा रहेगा या छोटा बच्चा रहेगा उसका हेल्थ उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको नोटिस कर लेना है। जैसे ही छोटे टाइम उसके माँ बाप ने जैसे खिलाया या उसके माँ बाप का जो क्वालिटी है उसी हिसाब से ही बच्चों का ही हेल्थ होगा। तो नॉर्मली जो प्रॉब्लम आया था वो किस वजह से था, किसके लिए हो रहा था, बट जब छोटा रहता है या जब अंडे से निकलता है तब उसको क्या खिलाया जाता है और उसके साथ साथ उसका और जो बाकी 2-4 जो भाई बहन है, जो बड़ा है उसको ही अच्छे से खाना मिलेगा, वही ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन जो छोटा रहेगा उसको अच्छा से खाना नहीं मिलेगा, अच्छा से वो उसके अंदर जो पुष्टि है यानी जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा नहीं होगा। तो वो प्रॉब्लम इसके लिए था, क्यों हुआ था,
ज्यादातर बर्ड के जो स्किन है उसके अंदर ऑयली भाप नहीं होने से या छोटे टाइम उसको अच्छा नहीं रखा जाता है, नहीं खिलाया जाता है, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो उस वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। तो वो ठीक हो जाएगा, ये कोई बीमारी नहीं है। तो हमने जितना पता किया है, डॉक्टर से भी बात की है, तो उन्होंने हमें जो बताया वही हम आप लोगों से शेयर करूंगा। देखिए बर्ड का ये जो प्रॉब्लम है, ज्यादातर ये जो स्किन है, बेबी बर्ड का जो स्किन है, ये ज्यादातर रूठा होने के यानी सूख जाने के कारण ये होता है। इसका प्रॉब्लम क्या है, जब ये बर्ड छोटा होता है या उसके माँ बाप ने या छोटे टाइम क्या खिलाया गया है, किस तरह से खिलाया गया है, कितना खिलाया गया है, न्यूट्रिशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये कोई बीमारी नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा कुछ ही महीनों में, जब बर्ड सेल्फ फीडिंग पर आ जाएगा, खुद से ही सीड वगैरह खाने लगेगा, जैसे कि हो गया सनफ्लावर, कुसुम दाना, राइस का जो धान हम कहते हैं, तो ये सब सीड जब खाने लगेगा, उसके साथ साथ कैल्शियम का जो हम स्क्विड बोन यानी कटल फिश बोन जो कहते हैं, और मिनरल जो है, ये सब जब खुद से खाने लगेगा तब उसका हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगा। ज्यादातर इन सब प्रॉब्लम के कारण जो वाइल्ड में जो बर्ड रहता है, ये ज्यादातर जो बर्ड है जब जो उड़ नहीं पाता है, माँ बाप ने खिलाना छोड़ देता है, बंद कर देता है, तब ये सब बर्ड मर जाता है। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है, ना ही शरीर पर कोई माइट्स है। देखिए भोटू टूटू से झगड़ रहा है, उससे खाना मांग रहा है और टूटू नहीं जा रहा है तो गुस्सा कर रहा है। तो दोस्तों आप सबसे ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी था, आप लोगों ने बहुत सारा कॉमेंट किए क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, जिस तरह मैंने आप लोगों से शेयर किया। छोटे बर्ड के लिए कोई भी मेडिसिन देना जरूरी नहीं है, जब वो खुद से खाना सीख जाएगा, सीड्स वगैरह खाने लगेगा, तब अपने आप कुछ ही महीनों में ये ठीक हो जाएगा। टूटू से भूटू खेलने की कोशिश कर रहा है, उससे खाना मांग रहा है, लेकिन टूटू नहीं दे रहा है और गुस्सा भी हो रहा है भूटू। देखिए एक चीज देखिए, टूटू चला जाएगा उसके ऊपर दौड़ के जाएगा, भूटू का पेट तो अभी बड़ा है, हमने आज सुबह हैंड फीडिंग करवा दिए थे, उसके बाद भूटू ने कुछ चने वगैरह भी कुछ चने भी खाए, तो अभी तो इसका पेट लगभग बड़ा ही है। भूटू तो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत अच्छे से घुल मिल भी गया है टूटू के साथ, खेलता भी है, टूटू के पीछे पीछे दौड़ता है, जाओ 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 टूटू के पास जाओ, टूटू के पास जाओ, टूटू के पास जाओ, आज से तो हम भूटू को बॉक्स में नहीं रखेंगे, टूटू जो टोकरी में रहता है वहीं पर हम रखेंगे। देखिए टूटू डर रहा है भूटू से, टूटू डर रहा है भूटू से। तो दोस्तों डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप में से किसी का भी बर्ड का ये प्रॉब्लम हो रहा है, बेबी बर्ड का, तो आप नॉर्मली एलोवेरा लगा सकते हैं और डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका बेबी बर्ड बड़ा हो जाएगा, खुद से ही खाने लगेगा, सीड खाने लगेगा, तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।